हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई टी टेकी चैनल। मेरा नाम चंद्र शर्मा है और वेलकम टू दिस लेसन। ये जो लेसन है मैक यूज़र्स के लिए है। AWS को एक्सेस करने से पहले हमें कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इस वीडियोस में बताऊंगा, ये सिर्फ मैक यूज़र के लिए है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। सो मैक से हमें AWS को एक्सेस करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए और यूज़ करने के लिए तीन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पहला है BB एडिट टूल, जो कि मेरा फेवरेट टूल है। ये आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। सेकंड हमें रिक्वायर्ड रहेगा माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, ओके। एंड जो थर्ड वन है वो टर्मिनल सर्विसेज होती हैं SSH के लिए, वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होती हैं मैक में। मैं आपको बता देता हूँ करके तीनों एक्टिविटीज़। सो आप मैक में एप्पल स्टोर में जाओगे, ऐप स्टोर में जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे BB एडिट, और जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हो BB एडिट को आप गेट करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये टूल कहाँ यूज़ होगा ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट आप अपना ये मैकबुक प्रिपेयर कर लीजिए। BB एडिट इंस्टॉल हो गया है, अभी हम जो है RDP जो है इंस्टॉल करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप 10 जो है लेटेस्ट वर्जन है, तो हम ये वाला ही RDP इंस्टॉल करेंगे। सेम प्रोसेस है, इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर जाके। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप है, RDP और BB एडिट जो टूल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो टर्मिनल सर्विसेज की बात की थी, टर्मिनल सर्विस एक्सेस करने के लिए आपको यूटिलिटीज़ में जाना है। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल सर्वर जो है, ये देखिए टर्मिनल सर्विसेज को, टर्मिनल को ओपन करना है, यूटिलिटी देन टर्मिनल। यहाँ पे जो एक कमांड है ये आपको कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है, ताकि SSL सर्विसेज जो है एक्टिवेट हो जाए मैक में। कॉपी करके पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। जो अब ये हमारा जो मैक है वो रेडी है। ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है ओनली मैक यूज़र्स के लिए हैं। इफ़ यू आर रेडी देन ज्वाइन मी योर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।